बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट एंड बेसिस। इन 1923 जेन लिविस प्रपोज मोर ब्रॉडर एंड जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट एंड बेसिस। अकॉर्डिंग टू द लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट एंड बेस, एन एसेट इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन दैट्स any substance in a molecule or ions, substance means molecule or ions which can accept a pair of electrons, जो एक electron pair accept करे तो हम इसको कह सकते हैं कि वो हमारे पास acid है। इससे previous topic Arrhenius और Lorentz Bransch concept में acid और base के बारे में हमने detail में acid और base के बारे में concept का जिक्र किया हुआ है, लेकिन आज फिर भी एक जनरल कॉन्सेप्ट है जिसको हम जेन लिविस भी कह सकते हैं। उन्होंने एसिड के बारे में ये बताया कि हमारे पास एसिड वो चीज़ है, इज सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्सेप्ट करे। वेल अ बेस इज अ सब्सटेंस, लेकिन हमारे पास बेस क्या चीज़ है, इज अ मॉलिक्यूल और सब्सटेंस मीन्स आर आयंस विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो दूसरों को डोनेट करे। यानी एसिड जो है अकॉर्डिंग टू द लिविस, एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करता है, और बेस जो है वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये जेन लिविस 1923 में दोनों के दरमियान में ये फ़र्क है कि एसिड हमेशा के लिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और बेस जो है वो डोनेट करता है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू द लिविस एंड बेस कॉन्सेप्ट। हम एक्सप्लेन करेंगे BF3 बोरान ट्राईफ्लोराइड। BF3 एक बोरान है और तीन फ्लोरीन हमारे पास इसके साथ मिली हुई है, तो वो रिएक्शन करके NH3 अमोनिया के साथ। आप देख सकते हैं जहाँ पे लिविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक यहाँ पे एक क्रॉस एंड डॉट के ज़रिए जो मेंशन है, इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। देखिए लॉस्ट शेल में हमारे पास फ्लोरीन की एफ की आउटरमोस्ट शेल में 7 डॉट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़िक्र किया हमने, कि यहाँ ये जो डॉट हमने ज़िक्र किया, इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। और ये क्रॉस जो है ये बोरान के हमारे पास तीन इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बोरान के तीन क्रॉस है, इट मीन्स बोरान के पास तीन इलेक्ट्रॉन है, और हर फ्लोरीन के पास हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, जो डॉट के ज़रिए मेंशन है। इसको हम कह सकते हैं कि ये 7 इलेक्ट्रॉन आउटरमोशन में है। आप देख सकते हैं इस बोरान के पास ऑलरेडी अपने तीन इलेक्ट्रॉन हैं क्रॉस के, और तीन डॉट के जो फ्लोरीन वाले हैं वो उसके साथ शेयर कर चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि बोरान के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इधर आप देख सकते हैं कि ये क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये नाइट्रोजन के साथ है, डॉट वाले जो है इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के पास है। अब देखिए हमारे पास नाइट्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा जो है, जो इस साइड पर मेंशन है, एक ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके डोनेट करता है, किसको, इस बोरान को देता है, क्योंकि बोरान के आउटरमोस्ट शेल में तीन है और तीन फ्लोरीन ने दिए शेयर किए, तो 6 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन बोरान के पास है, और नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा, एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा इसको दे दिया, जिसके बोरान के पास हम कह सकते हैं कि अभी 8 इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्सीक्रू को फॉलो कर रहा है। तो हम देख सकते हैं इस रिज़ल्ट, नाइट्रोजन NH3 और BF3 ने रिएक्शन करके रिज़ल्ट ये बना, यही जो ये जो डॉट क्रॉस वाले 2 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, देखिए यहाँ पर मैंशन है, ये दोनों एरो के निशान से हमने जिक्र किया हुआ है, बोरान की तरफ है, जो फ्रॉम डोनर टू नाइट्रोजन डोनर है, और बोरान जहाँ पे एक्सेप्टर की तरफ हमने मेंशन किया, तो ये फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर की तरफ हमने एरो के निशान से जाहिर किया हुआ है, तो इसको हम कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कह सकते हैं। और ये हमारे पास इसको हम कह सकते हैं कि NH3 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो NH3 हमारे पास इज़ अ बेस है, डोनेटर है, क्योंकि हमने जहाँ पे जिक्र किया कि जो डोनेट करता है वो हमारे पास क्या चीज़ है, वो बेस है,
और जो एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे बी एफ थ्री ने एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा, तो बी एफ थ्री हमारे पास एज एसेट काम करता है और एन एच थ्री हमारे पास एज एसेट बेस काम करता है। तो एन एच थ्री हमारे पास बेस है देखे, और बी एफ थ्री हमारे पास एसेड है, क्योंकि हमारे पास यहाँ से डोनर से एक्सेप्टर की तरफ हमारे पास एरो का निशान है, यानी नाइट्रोजन ने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको, बोरान को, क्योंकि बोरान डिफिशेंट इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन हमारे पास एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन है। तो हमने वाजे तौर पर यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया कि नाइट्रोजन डोनर है और बोरान एक्सेप्टर है, एन एच थ्री हमारे पास बेस है, बी एफ थ्री हमारे पास क्या है, एसिड है, क्योंकि लिविस यही कहता है कि जो देने वाला है इसको इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा, जो एक जोड़ा देता है इलेक्ट्रॉन का, इसको हम कह सकते हैं कि वो बेस है। तो एन एच थ्री इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये बेस है, बी एफ थ्री एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एज एसिड काम कर रहा है, तो ये हमारे पास जीन लेवल एसिड है, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा, इसको हम बेस कह सकते हैं। जो एक्सेप्टर है उसको हम कह सकते हैं कि वो एज एसेट के तौर पर काम कर रहा है। अब देखिए ये जो रिज़ल्ट बन गया, ये जो प्रोडक्ट बन गया, जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने बंद किया, इसको हम कह सकते हैं एडिक, यानी एडिक द प्रोडक्ट्स ऑफ द एनी लिविस एसिड बेस रिएक्शंस इज अ सिंगल स्पीशी कॉल्ड एन एडिक। एडिक किससे कह सकते हैं, जो लिविस एसिड और लिविस बेस रिएक्शन करता है उससे जो प्रोडक्ट बन जाता है, उस प्रोडक्ट को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एडिक है। तो ये एडिक इस चीज़ को कह सकते हैं कि लिविस एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है और जो हमारे पास रिजल्ट आता है, जो प्रोडक्ट बन जाता है, इस प्रोडक्ट को जो सिंगल स्पीशीज के ज़रिए हमने मेंशन किया हुआ है, ये तमाम ये सिंगल स्पीशीज है, इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एडिक है। तो ये लिविस लिविस एसिड एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। डोनर हमारे पास क्या चीज़ है, एसिड है, बेस है, और जो एक्सेप्टर है वो हमारे पास एसिड है। अब हम लिविस एसिड बेस की एग्जांपल हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपकी डेली लाइफ में जो बिहेव करता है एज ए लिविस एसिड, वो हमारे पास बी एफ थ्री है, लिविस एसिड के तौर पर काम करता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 है, ये भी लिविस एसिड है, और ये भी FeCl3, ये भी हमारे पास क्या है, लिविस एसिड है, एसेट्रा। वो किस तरह, क्योंकि इन तमाम के पास, यहाँ भी बोरान के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, Fe के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो Fe, Al और B, यहाँ पे तीनों मॉलिक्यूल में हमारे पास जो मेटल है या नॉन मेटल है, जो भी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा कबूल करने के बाद इसकी आखिरी टूल फॉलो हो जाता है। तो इसी वजह से ये तीनों एग्जांपल जो है, हम कह सकते हैं कि ये एज ए लिविस एसिड के तौर पर काम करता है, यानी दैट इज़ द मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट यानी यहाँ पे BF3 जो है, बोरान जो है, इसकी इनकम्प्लीट ऑक्टेट टूल है, एल्यूमिनियम जो है, इसकी भी ऑक्टेट टूल कम्प्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, Fe की भी कम्प्लीट नहीं है ऑक्टेट टूल, तो ये भी इनकम्प्लीट है। इसी वजह से ये जब अपने ऑक्टेट टूल को फॉलो कर रहा है, करता है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, उसको ऑक्टेट टूल को फॉलो करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। या लिविस एसिड वो चीज़ है जो सिंपल कैटायन कैन एक्ट एज ए लिविस एसिड, जो सिंपल कैटायन हो, सिंपल कैटायन का मकसद यह है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, वो एज ए लिविस एसिड के तौर पर काम कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि वहाँ उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा वो कबूल कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन कबूल करते हैं तो सिंपल कैटायन या सिंपल पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा कबूल कर सकता है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि सिंपल कैटायन कैन एक्ट एज अ लिविस एसिड, वो भी एज लिविस एसिड के तौर पर काम कर सकता है। और सेंट्रल मेटल एटम जो इनकम्प्लीट होता है, ऑक्टेट टूल इसके फुल नहीं होता है, तो वो भी एज अ लिविस एसिड के तौर पर काम करता है। और लिविस बेस कौन सी स्पीशीज है, वो हमारे पास एग्जांपल है न्यूट्रल्स, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता था, यहाँ पे अब लिविस बेस में क्या, कौन सी स्पीशीज एज ए लिविस बेस काम करता है, न्यूट्रल स्पीशीज जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, हैविंग एटलीस्ट या वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर हो, या न्यूट्रल हो या इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो वो सब ट्रांस जो है, वो स्पीशीज है, वो केमिकल स्पीशीज जो है, वो इसे लिविस एसिड के बेस के तौर पर काम करेगा। यानी जिसके ऊपर जब कोई चार्ज ना हो या एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर हो, तो वो एज लिविस बेस के तौर पर काम करेगा, वही केमिकल स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया है, NH3 है, देखिए दो क्रॉस के जरिए मैंने ये दो इलेक्ट्रॉन मेंशन किए हैं, NH3 के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो एक लोन पेयर है,
कि ये एज ए बेस के तौर पर काम कर सकता है, अमीन्स है, और आर मीन्स अल्काइल ग्रुप्स, और एन एच टू यहाँ पे एन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन है, तो हम कह सकते हैं ये भी एज ए लिविस बेस के तौर पर काम कर सकता है। अल्कोहल है आर ओ आर, देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के पास टू लोन पेयर है, छह इलेक्ट्रॉन है, दो जोड़े हैं इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो ये भी एज आ लिविस बेस के तौर पर काम कर सकते हैं। आर जो है ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे हम पढ़ेंगे, जिस आर हम अल्काइल ग्रुप को कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल CH3 है या CO2H5 है या C3H7 है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। आर एक जनरल ग्रुप है जिसको हम अल्काइल ग्रुप कह सकते हैं, आर को हम अल्काइल ग्रुप भी कह सकते हैं, एक जनरल ग्रुप है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन सिंपली आज हम सिर्फ ये सीखिए कि हमारे पास अमोनिया के पास एनर्जी एक लोन पेयर है, एमीन के पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर जोड़ा है, ये दो जोड़े हैं, तो ये तीनों के तीनों बेस के तौर पर काम कर सकता है। या लिविस बेस नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो जिसके ऊपर कोई या एनायन हो, वो लिविस एसिड में कैटायन होता, यहाँ पे नेगेटिव स्पीसीज हो या एनायन हो, फॉर एग्जांपल क्लोराइड, देखिए Cl इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इस बेस के तौर पर काम कर सकता है, या साइनाइड CN है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस बेस के तौर पर काम कर सकता है, हाइड्रोक्साइड वो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, ये इस बेस के तौर पर काम कर सकता है। अब देखिए जी हमारे पास तीनों कॉन्सेप्ट अरहेनियस, और दूसरा हमारे पास था लॉरेल ब्रांसेट कॉन्सेप्ट, और ये तीसरा टॉपिक जो आज हमारा इस चैप्टर का था, इसको हम कह सकते हैं कि जीन लेविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, ये इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पे है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर जो देता है अकॉर्डिंग टू लेविस वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बेस है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है जो कबूल करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक जोड़ा कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको हम एसिड कह सकते हैं। तो देखिए अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टॉपिक में कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की हुई है कि वो हमारे पास ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, और इसका शोरन टेस्ट है और क्लोरोसिव इन नेचर है, वो तमाम प्रॉपर्टी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी थी, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि सॉल्यूशन फॉर्म में, तो ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड थी जो हमने चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस की है, पहले ही टॉपिक है। लेकिन आज हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड डिस्कस करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, किस चीज़ के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बना देता है। सबसे पहले रिएक्शन विद द मेटल्स, जब भी कोई भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो साल्ट भी बना देता है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज कर देता है, यानी दिए गए हमारे पास ये एसिड है और जिस तरह हमारे पास कोई भी मेटल हो तो वो साल्ट भी बना सकता है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देता है। अब क्वेश्चन क्या है, जो इंतहाई ठेज या एक्टिव मेटल है वो जल्दी एक्सप्लोजिवली यानी धमाका खेज धमाके की तरह जल्दी यानी रिएक्शन करके और प्रोडक्ट बना देता है, लेकिन जो मॉडरेटरी मेटल है, मॉडरेटरी मेटल जो न तेज रिएक्शन करता है न स्लो करता है, फॉर एग्जांपल जिंक है, ये मॉडरेटरी मेटल है, जब H2SO4 एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट यानी सॉल्ट, जिंक सल्फेट सॉल्ट है और H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम भी एक मॉडरेटरी मेटल है, वो HCl के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। तो जब भी रिएक्शंस ऑफ एसिड विद मेटल होता है तो साल्ट बना देता है और हाइड्रोजन रिलीज कर देता है। रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट CO3 एंड हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करके, जब रिएक्शन करता है विद कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट एक एसिड तो टू फॉर्म ए कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट विद एवोल्यूशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता था। अब जो कार्बोनेट CO3 या HCO3 के साथ रिएक्शन कर देता है, फिर हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए आप इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और HCl के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड और H2O रिलीज़ कर देता है। रिएक्शन विद द बेस, अगर हमारे पास यही एसिड है आप बेस के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, तो ये चैप्टर नंबर हमने क्लास 8 में भी हम ये पढ़ चुके हैं कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर रहा है तो उस रिएक्शन को हम कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करता है तो हमारे पास सॉल्ट और H2O बना देता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको कह सकते हैं। रिएक्शन ऑफ द एसिड विद बेस,
तो ये एसिड की रिएक्शन चल रहे हैं उस पर, अब बेस की बारी आ गई। जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो न्यूट्रलाइजेशन बना देता है, रिएक्शन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, HCl एक एसिड है, रिएक्शन करके सोडियम को लेट सॉल्ट और H2O बना लिया, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सिमिलरली कॉपर ऑक्साइड हमारे पास क्या है, एक बेस है, H2SO4 हमारे पास क्या है, एक एसिड है, रिएक्शन करके कॉपर सल्फाइड हमारे पास साल्ट है और H2O हमारे पास वाटर है, पानी है, तो दोनों में हमारे पास साल्ट बना दिया और वाटर। इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ द एसिड विद द बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद है हमारे पास रिएक्शंस विद द सल्फाइट एंड बाई सल्फाइट्स। रिएक्शन यानी SO3 और HSO3, इसको सल्फाइट कह सकते हैं, इसको बाई सल्फाइट कह सकते हैं। दोनों में हमारे पास HCl के साथ रिएक्शन कर देता है, हमारे पास ये प्रोडक्ट दोनों में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है और यहाँ पर भी सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। तो सल्फाइट्स और बाई सल्फाइट्स में सिर्फ फर्क ये है, यहाँ पे SO3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन SO3 है, तो हाइड्रोजन की वजह से हम कह सकते हैं बाई सल्फाइट। इसके बाद जो टॉपिक है इसको आप लोग एज अ होमवर्क कर ले, यूजेज ऑफ द एसिड। एसिड की क्या यूजेज है आपकी डेली लाइफ में, यूज एसिड की क्या इम्पोर्टेंस है आपकी डेली लाइफ में, इसके साथ क्या रिलेशन है और कहाँ कहाँ पे आप डेली लाइफ में या घरेलू इस्तेमालात या बैटरियों में या कार की बैटरी या घरेलू में जो घरों में जो आप इस्तेमाल करते हैं एसिड, जो बैटरी आप चलाते हैं कोई भी पंख वगैरह DC इलेक्ट्रिक करंट जो है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये डेली लाइफ में आपकी क्या उसकी एसिड की क्या यूजेज है। इन तमाम चीज़ों को आप डिस्कस कर लें कि यूजेज ऑफ द एसिड हमारे पास क्या चीज़ है।